वेलकम गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टुडे हैव टॉपिक बेनिफिशियल इंसेक्ट हनी बी। हनी बी में इसका जो जनरली इंट्रोडक्शन है, जो इसका साइंटिफिक नेम है, एपिस स्पीसीज है। और एपिस में बहुत सारा स्पीसीज है, जिसमें से चार प्रकार का जो अपने इंडिया में सुटेबल है फॉर प्रोडक्शन के लिए, जो आप आर्डर है हाइमेनोप्टेरा आर्डर से बिलोंग करती है, और इसकी फैमिली एपिडी है। इसमें फोर टाइप्स की जो हनी भी प्रेजेंट होती है। एक है आपका एपिस डोरसेटा, और है एपिस फ्लोरिया, और एपिस सेराना, और है एपिस मेलीफेरा। इसमें जो इसका कास्ट होता है, एक जो प्रॉपर कॉलोनी होती है, प्रॉपर कॉलोनी में जो कास्ट होता है, जिसमें क्वीन रहती है, ड्रोन रहते हैं, और वर्कर्स रहते हैं। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी, जो बॉडी सेगमेंटेशन है, प्रत्येक इंसेक्ट का जो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डामेंस होता है। यहां पर एंटीना लिखा हुआ है, ये गलत है, यहां पर एब्डामेन है। और जो बॉडी होता है, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं हेड, जो हेड्स होता है एक ट्रायंगुलर शेप होता है, जो क्वीन होती है, और वर्कर भी में एंटीरियर और पोस्टीरियर शेप में होता है ड्रोन भी। और इसका जो आईज होता है, और इसमें टू कंपाउंड आई पाए जाते हैं, कंपाउंड आई जो जनरली विजुअल होते हैं, बाहर से ही दिखते हैं, जो एंटीनी होता है एंटीनी के मिड पार्ट में, मिड सॉरी साइड पार्ट में। और इसका जो जो कंपाउंड आई होते हैं, ये कई सारे ओमेटिडिया से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो इसमें सिंपल्स आई भी प्रेजेंट होती हैं, जो कई सारी ओसेली से मिलकर के बनी होती हैं। इसमें थ्री सिंपल आई प्रेजेंट होती हैं, माउथ पार्ट्स, चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स का माउथ पार्ट्स पाया जाता है, और एंटीनी, एंटीनी इसमें जेनिकुलेट टाइप्स का एंटीनी पाया जाता है। और ये जो एंटीनी का वर्क होता है, वो काफी सेंसिटिव होती है, मूवेबल होती है, रिसेप्टर्स मेजरेबल ऑफ लाइट स्पीड, जो लाइट का इंटेंसिटी वगैरह होता है उसको भी ये ऑब्जर्व करती है, कुछ स्मेल्स वगैरह होती है उसको भी डिटेक्ट करती है, और कुछ जो मूवमेंट के पर्पज पे देखें तो जो टच वगैरह होता है उसको भी ये जनरल ऑब्जर्व करती है। इसमें मैंडिबल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक वन पेयर्स मैंडिबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे कोई प्रकार का जो इन्वेडर्स होते हैं, जो किसी भी काम वगैरह में एंट्री कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको बाइट कर देते हैं। और जैसे कुछ जो इसमें प्रोपोलिस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको ये पॉलन वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये बाइट करते हैं। और फिर इसमें मैक्सिली प्रेजेंट होता है, जो माउथ पार्ट्स होता है ना, उस माउथ पार्ट्स के जो मैंडिबल्स होता है, मैंडिबल के नीचे ही ये एक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर में ये बना होता है मैक्सिली। और ये जिसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जब वो ईटिंग करता है, जब उसको खाता है फूड मटेरियल्स को, तो ये क्या करता है, उसको होल्ड किए रहता है। प्रोबिस्किस एंड टंग्स, जो चूंकि ये जो मैक्सिली और लेबियम को मिला करके एक प्रोबिस्किस एक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर ही जब वो फोरेजिंग करती है, कोई सी भी हनी भी जब फोरेजिंग करती है, फोरेजिंग के टाइम पर ही कुछ नेक्टर्स होते हैं और प्रोपोलिस वगैरह को ये क्या करती है, सक करती है। थोरेक्स रीजन में, थोरेक्स जनरली इंसेक्ट का लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, सेम एज हनी बी भी आल्सो। इसमें भी थ्री सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जैसा इसमें प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स क्या करता है कि जब प्रोथोरेक्स में एक जो वन पेयर्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें जो एंटीना होते हैं, एंटीना को क्लीन करते हैं,
ये जैसे एंटीना में कुछ डस्ट वगैरह जम जाती है तो ये आगे वाले पैर से ही ये क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, उसकी सफाई करते हैं। इसमें मीजोथोरेक्स भी प्रेजेंट होता है और इसमें हिंड लेग प्रेजेंट है। हिंड लेग का एक टीबिया होता है, हिंड लेग में जो टीबिया का पोर्शन होता है, टीबिया के पोर्शन में ही एक पालन बास्केट प्रेजेंट होती है। पालन बास्केट क्या करती है, उसी उसमें जो पॉलन्स होती है उनका कलेक्शन करती है। इसी को कुर्बिकुलेट टाइप्स का लेक्स भी बोलते हैं इसको, जो हनी बी में पॉलन के कलेक्शन का वर्क करती है। इसमें विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मीजोथोरेक्स होता है और मेटाथोरेक्स के रीजन पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो फोर विंग्स होते हैं वो क्या लार्जर होते हैं जो हिंड विंग के अपेक्षा। और ये जो फोर विंग्स होते हैं, जब जब ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम पे क्या करते हैं, ये जब टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हनी कॉम्ब का, जब छत्ता होता है छत्ते का टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये फोर विंग्स ज्यादा तेज फ्लाइंग करते हैं, तो उस पर्पज पे ये फोर विंग्स वर्क करते हैं। और हिंड विंग प्रेजेंट होता है और हिंड विंग में ही एक हमुलाई स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हमुलाई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें टू पेयर्स और विंग्स होते हैं, जिसमें ऐसे करके एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हमुलाई बोलते हैं इसको। ये दोनों विंग्स क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। एब्डामन्स भी प्रेजेंट होता है। एब्डामेंस में कई सारा वर्क होता है, जैसे डाइजेशन का काम होता है, रिप्रोडक्शन का काम होता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रेचियल वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो नाइन्थ सेगमेंट्स होते हैं वो एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो लार्वी होते हैं, जो उनके मैगट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टेन पेयर्स और टेंस हनी बी में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फर्स्ट एब्डामिनल सेगमेंट्स होता है, जहां पर ये आपका जो मेटाथोरेक्स और जो फर्स्ट एब्डामिनल सेगमेंट्स जहां पर फ्यूज होता है, वहीं पर उसको प्रोपोडियम्स प्रेजेंट होता है। और पेटियोल्स और पेडसिल्स, ये सेकंड एब्डामिनल सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। और जो गैस्टर्स सबसिक्वेंट सेगमेंट्स होते हैं, काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं जो उसमें ये गैस्टर्स प्रेजेंट होता है। और जो पेयर्स ऑफ वैक्स ग्लैंड्स, जो वैक्स को सेक्रेशन का काम करती है, वो सेवन फोर्थ से लेकर के सेवन्थ सेगमेंट एब्डामिनल सेगमेंट पर ये वैक्स ग्लैंड्स अब प्रेजेंट होती है, जो वैक्स का सेक्रेशन का काम करती है। स्केंट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, जो सिक्स और सेवन्थ एब्डामिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है, जो कम्युनिकेशन का काम करती है। कोई भी सूचना अगर दूसरे हनी बी तक पहुंचानी होती है तो उस समय ये स्केंट ग्लैंड के जरिए ही ये ट्रांसमिट करती है, कम्युनिकेट करती है। स्टिंग जो होता है, स्टिंग जब कोई जो वर्कर्स भी होते हैं, वर्कर भी एक लाइक एज ए सोल्जर का वर्क भी करते हैं एक कॉलोनी में, तो उसी तरह जो स्टिंग होता है, स्टिंग क्या होता है कि ओविपोजिटर का ही ट्रांसफार्म हो जाता है। ओविपोजिटर ही स्टिंग के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो अपने सेल्फ डिफेंस का वर्क करने लगती है। स्पाइरकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें चाहे थोरेक्स होता है और एब्डामन होता है, इनके सेगमेंट जो सेगमेंट्स होते हैं, इच सेगमेंट के इच साइड पोर्शन पर स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हाइव, इसमें जो हाइव होता है एक डोम शेप का होता है, या सॉरी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो ये जो हाइव बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो आजकल काफी मॉडर्न या हाईटेक के कंडीशन में काफी सारा हाइव चलता है, और उसमें घोस हाइव चलता है, लैंगस्ट्रोथ हाइव चलता है, और डरांट चलता है, और कांजे पंत कांजे चलता है, और जियोलाइंटे चलता है, और एक थॉम्पसन बॉक्स भी चलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है लैंगस्ट्रोथ हाइव, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो और ये मॉडर्न इस मॉडर्न टाइम पर ये काफी ज्यादा रेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, ये आर्टिफिशियल हाइव है। जो मॉडर्न लैंगस्ट्रोथ हाइव जो फ्रेम दिया था या इंट्रोड्यूस किया था, एलएल लैंगस्ट्रेथ ने ही किया था, और इन्हीं के नाम पर ही ये जो हाइव का नाम पड़ा है, इसको लैंगस्ट्रोथ फ्रेम हाइव बोलते हैं।
इसमें जो हाई होता है, और हाई पर काफी सारे फ्रेमवर्क्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें हाई स्टैंड होता है जो बेस के पोर्शन पर होता है, और इसमें बॉटम बोर्ड भी होता है, ये बॉटम बोर्ड होता है। इसमें ब्रूड बॉक्स भी होता है जिसमें ब्रूड का कलेक्शंस होता है, ब्रूड का रेयरिंग होता है, और इसमें हनी सुपर्स भी होते हैं जिसमें हनी कॉम्ब प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से कई सारा इसमें पार्ट्स प्रेजेंट होता है। अब आते हैं रॉयल जेली में। रॉयल जेली एक बहुत ही अच्छा फीडिंग मटेरियल्स होता है फार क्वीन के लिए, और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो प्रोटीनस होती हैं, और जो इनका फीडिंग मटेरियल्स होता है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं वो चीज इसमें दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले है रॉयल जेली। रॉयल जेली इसमें प्रोटीन रिच होता है और मिल्की व्हाइट सेक्रेशंस होता है, जो एक हाइपोग्राइजियल्स ग्लैंड होती है नर्स बी की। जब नर्स बी ये 3 से 10 दिन की आसपास की होती है, तो उस समय इसमें हाइपो फेरेजियल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है नर्स बी में, उसी से ही ये सेक्रेशन करती है ये रॉयल जेली का। इसका इस्तेमाल करती है, या इसको जो फीड करती है वो क्वीन करती है। क्वीन सबसे ज्यादा इसको फीडिंग मटेरियल्स के रूप में इसको एब्जॉर्ब करती है। इसमें जो कंपोजिशन होता है उसमें 60% वाटर प्रेजेंट होता है, और 12.5% क्रूड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और 11% शुगर भी प्रेजेंट होता है, और इसमें 5% फैट भी पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब ठंडी के टाइम आता है, तो ठंडी के टाइम में क्या होता है, हनी भी काफी ठंड के कारण कड़कने लगती है। तो इसमें एक जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो क्या करती है, उसके जो ठंडी होती है उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी पैदा करता है। और ये क्या करता है, जैसे उसमें कुछ आर्थराइटिस का डिजीज, या जैसे गठिया बोलते हैं, वो हनी बी में प्रेजेंट हो जाता है, तो उससे भी ये इम्यूनिटी प्रदान करता है, या उससे केयर करता है। बी कॉलोनी, बी कॉलोनी में जैसे क्वीन होते हैं, ड्रोन होते हैं, वर्कर होते हैं, तो इसी तरीके से कोई सा भी एक कॉलोनी बनता है। इसमें क्वीन है जो मदर्स ऑफ कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है क्वीन को, और जहां पर ये क्वीन रहती है उसको रॉयल चैम्बर बोलते हैं। जहां पर ये कॉलोनी रहती है उसको रॉयल चैम्बर बोलते हैं, और ये क्या है, एक सेक्सुअली डेवलप फीमेल होती है, ये सेक्सुअली रूप से डेवलप होती है, और ये वही समथिंग एक दिन में 2 से लेकर के 2001 का प्रोडक्शन एक लिंक कर सकती है, और अपने जीवन काल में ये लगभग 15 लाख तक के एक का एक लिंक कर देती है। इसमें ड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ड्रोन्स क्या है कि इसमें मेल भी होते हैं जो स्मॉलर होते हैं क्वीन से, और क्वीन क्या होती है, सभी से, चाहे ड्रोन हो चाहे आपका वर्कर हो, इन सभी से लंबी होती है। तो ड्रोन क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और ये एक परमानेंटली रूप से किसी भी कॉलोनी में वर्क नहीं करते हैं, और ये एक जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उसी से ही ये डेवलप होते हैं, और इनका काम होता है जो क्वीन होती है क्वीन के साथ मेटिंग करने का काम करते हैं, सेक्सुअल प्रॉपर्टी के वर्क पर ये वर्क करते हैं। वर्कर भी जो ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, वर्कर भी एक फर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं। इसमें जो इनका वर्क होता है, किसी भी एक जो हनी कॉलोनी होती है, हनी कॉलोनी को या हनी कॉम्ब को बिल्ड करते हैं, और साथ में उसके मेंटेन करने का भी वो काम करते हैं। और ये जो हनी होता है, पॉलन्स होते हैं, और जो वाटर वगैरह होते हैं जो ये कॉम्ब के लिए नेसेसरी होता है, उसको ये कलेक्ट करने का भी वर्क करती है। गार्ड कॉलोनी का वर्क भी करती है, जैसे इसमें ओविपोजिटर जो स्टैंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है वो इसी में बनती है। तो सेक्रेट्स रॉयल जेली का सेक्रेशन का भी वर्क करती है।
ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब एक टेम्परेचर लो हो जाता है या टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करती है कि जब ज्यादा हो जाएगा तो वैक्स काफी डोमिनेंट होता है कॉम्ब में, तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है। तो इस तरीके की कंडीशन जब आ जाती है तो वो क्या, टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। फिर है डिजीज ऑफ हनी बी। इसमें जो डिजीज प्रेजेंट होती हैं, एकेराइन डिजीज होती है, जिसको एकेरेप्सिस बॉडी बोलते हैं, ये एक माइट्स के कारण लगती है। और ये क्या करती है, ये एक सीधा जो ट्रेचिया होते हैं या बॉडी फ्लड्स वगैरह जो भी लिक्विड फॉर्म होता है उसमें जाकर के ये अटैक करती है, ये ट्रेचिया पे अटैक करती है, और वहीं पर जाकर के ये अपना जो लाइफ साइकिल्स होती है वो चलाने लगती है। फिर है इसमें यूरोपियन फाउल ब्रूड। यूरोपियन जो फाउल ब्रूड है इसको मेलास्कोकॉकस प्लूटोनियस बोलते हैं और बैसिलस प्लूटोन्स भी बोलते हैं। ये सीधा सा जो गट्स होता है, या जो इसमें गट्स होता है, गट के जो मिड पोर्शन होता है, मिड पोर्शन पर जाकर के ये अटैक करती है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो लार्वी पीरियड होते हैं हनी के, उसी समय ये अटैक करती है। और जैसे ही अटैक करती है तो अटैक करने के बाद क्या हो जाता है, उसका जो लार्वी होता है वो येलो ब्राउन कलर्स में बदल जाता है, और जो ट्रेचियल सिस्टम होता है वो भी दिखाई देने लगता है। फिर है एमोइबिक डिजीज। एमोइबिक डिजीज ये क्या है, मेलजिगोमोबिया मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये ज्यादा से ज्यादा ये जो इसका जीनस है मेलपी गा मोइबा, जो इसका इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मेलपीजियन ट्यूबल्स पर अटैक करती है। तो ये मेलपीजियन ट्यूबल्स पर अटैक करती है, और जब ये अटैक कर देती है तो इसमें डाइसेंट्री का प्रॉपर्टी ला देता है, मतलब इसमें जो पेचिस होती है पेचिस टाइप सा पड़ने लगता है, क्योंकि जो मेलपीजियन ट्यूबल्स होता है ना वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में ही प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वो जाकर के वहां पर डाइसेंट्री का प्रॉपर्टी ला देता है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो एडल्ट स्टेज होता है उसी समय ये उन पर इन्फेक्ट करता है। फिर है नोसेमा डिजीज। नोसेमा डिजीज इसको नोसेमा एपिस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ज्यादा जो स्टमक होता है स्टमक पर सीधा अटैक करता है, मतलब ये भी गट का जो पूरा पोर्शन होता है, गट के किसी भी पोर्शन पर ले जाकर के अटैक कर सकता है, और ये एडल्ट स्टेज पर ही अटैक करता है, और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी इसमें भी ला देता है, इसमें भी डाइसेंट्री का या पेचिस वगैरह का प्रॉपर्टी इसमें भी शो करने लगता है इंसेक्ट। फिर है इसमें इंसेक्ट अफेक्टिंग भी। इसमें काफी सारा इंसेक्ट भी अटैक करता है, जैसे वैक्स मॉथ है, गैलेरिया मेलोनेल्ला बोलते हैं इसको। ये क्या है कि जो कैटर्स पिलर्स इसका क्या करता है, जो एक बीज का टनल होता है, जैसे एक बी काम होता है ना, बी काम होता है तो बी काम में ऐसे 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 करके स्पोर होते हैं, उनमें जाकर के ये वहां पर जो इसका कैटर पिलर होता है वहीं पर जाकर के बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है तो जो भी हनी प्रोपोलिस और पॉलन या वैक्स वगैरह का जो कलेक्शन करती है ना उसको जा डायरेक्टली यही फीड करता रहता है, जब ये फीड करता है तो फिर हनी का प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पाता है। और वेस्प होता है, ये क्या करता है, ये भी जो हाई होता है उसी के आसपास ही जाकर के बैठ जाता है, और कभी कभी अंदर भी हो जाता है, तो उसमें जो जूस मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसको सेक्रेट करने लगता है। आंट होती है, आंट में जो डेब्रिस या जो डेड बॉडी होती हैं या जो कुछ अदर प्रकार का मटेरियल्स होता है, जैसे हनी ब्रूड्स वगैरह हो गए, और ये जो अदर्स डेब्रिस मटेरियल सड़े गले पदार्थ हो गए, उनको क्या करता है ये खा लेता है। तो चूंकि सड़ा गला मतलब मटेरियल्स वगैरह डेड बॉडी वगैरह खाता है तब तो ठीक है, लेकिन ये क्या करता है हनी के ब्रूड को भी फीड करता है, इसलिए ये काफी हार्मफुल है। फिर है डेथ हॉक मॉथ। ये डायरेक्टली रात का टाइम आता है, रात के टाइम पर ये क्या करता है सीधा हाई में एंट्री मार देता है, और जो भी उसका हनी होता है हनी को सीधे ये क्या करता है फीड कर लेता है।
कुछ चीजें हैं जो जनरली जानने के लायक हैं। हनी, हनी क्या है? एक लैक्जेटिव मटेरियल्स होता है ये, जैसे ब्लड प्योरीफायर होता है, कफ और फीवर के टाइम पर भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लैक्जेटिव टाइप्स का मतलब एक जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है हमारे, और इसमें जो ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी, खांसी वगैरह हम लोगों को आती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलन ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है, ये हनी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन और विटामिन का स्रोत होता है। रॉयल जेली तो जानते हैं, ये बहुत ही अच्छा ये डाइटरी मटेरियल होता है, बहुत ही अच्छा डाइट होता है हनी बी का या क्वीन हनी का। और ये इसमें इस प्रोपोलिस प्रेजेंट होता है, तो प्रोपोलिस क्या करता है, ये एक ये जो डार्क सोलिव सबस्टेंस होता है उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, यानी ये कलेक्ट करता है। ये कैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे जो रेजिन रेजिनस प्रोडक्शन प्लांट होते हैं या जो गम का प्रोडक्शन प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स से जाकर के जो वहां पर ये प्रेजेंट होता है प्रोपोलिस, उसको क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। और जब ये कलेक्ट करते हैं, इनके जो हनी भी होता है, हनी भी के लिए क्या करता है, ये एंटीबॉडी का रूप धारण कर लेता है। अब वैक्स, वैक्स क्या करता है, जो ये इनसे जो हनी बी का जो स्किन होता है, स्किन को क्या करता है, ये यंगर बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है और सॉफ्ट बनाए रखता है। और बीबीनम, बीबीनम क्या होता है कि ये जो एक पॉइजन ग्लैंड्स के यहाँ से भी ये सेक्रेट होता है, या जो पॉइजन सेक्रेट पॉइजन ग्लैंड्स होती है वहां से ये आइसोलेट किया जाता है। ये जो बी ब्रीड होता है, बी ब्रीड होता है, बी ब्रीड क्या करता है, ये इसमें मतलब ये जो मिक्सचर हनी और पॉलेंस होते हैं इसको बी ब्रीड बोलते हैं। इसमें जो हनी का एक प्रॉपर्टी क्या होता है वहां इसका स्टडी करेंगे। हनी जो होता है स्वीट विस्कस लिक्विड मटेरियल्स होता है, मतलब एक चिपचिपा मीठा पदार्थ होता है। और ये क्या होता है कि एक जो हनी होता है, हनी के नेक्टर्स कलेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो नेक्टर्स ग्लैंड्स वगैरह होती हैं वहां से ये बनाया जाता है हनी से। और इसमें जो सुक्रोज का परसेंट होता है, 20 से 40% तक सुक्रोज होता है। इसको जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है जिसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जाकर के इसमें बदल देता है। इसमें जो फुली जो राइप हनी होता है, यानी कंप्लीटली जो वेल डेवलप हनी होता है, उसमें ग्लूकोज 38%, 38.02% पाया जाता है, और वाटर 31.23% पाया जाता है, और 17.2% डाइसैकेराइड्स पाया जाता है। इसी तरीके का जो मटेरियल्स होता है, सुगर्स भी पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है। ये हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स फूड मटेरियल्स होता है, और इसमें 5500 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे है बियर्डिंग। अब बियर्डिंग क्या होता है कि जैसे जब ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ज्यादा टेम्परेचर में क्या करते हैं ना, ये एक जो काम होता है, ये काम होता है, तो काम के साइड साइड में जाकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं। जिस साइड से ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी पड़ता है उस साइड पर ये जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं कि जो डायरेक्ट टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ये जो काम है काम के लिए मेंटेन कर सके, इसको बियर्डिंग बोलते हैं। अब बी हैव बी हैव ये इट इज पर्पज बिल्ट मैन मेड इनक्लोजर इन विच कॉलोनी ऑफ बी इज केप्ट एज बाय द बी कीपर्स। जो बी कीपर्स होते हैं, बी कीपर्स के जरिए, एक तो जैसे बी हाइव होते हैं, इसमें आपका नेचुरल्स बी हाइव होता है जो एक जो हनी के द्वारा ही बनाया जाता है, और एक आर्टिफिशियल बी हाइव होते हैं जो मैन मेड्स हाई होते हैं, या उसके जो कॉलोनी होते हैं उसके कॉलोनी को प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, जिसमें ये अपना जो वर्कर्स होते हैं, क्वीन होते हैं, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर एक हाइव में रहते हैं।
फिर है बी वैक्स, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो कॉम्ब को बिल्ड करता है, कॉम्ब को निर्माण करने में काम आता है। और ये क्या करता है, ये एक वर्कर जो बी होता है, वर्कर बी से ही ये सेक्रेट होता है। फिर है ब्रूड, ब्रूड जैसे आपका एग हो गया, लार्वी हो गया और प्यूपा हो गया, इन सभी जो कास्ट होते हैं किसी भी कॉलोनी में, इन कास्ट जो डेवलप हो रही होती है इन कास्ट को ही ब्रूड बोलते हैं। देखिए कैपिंग क्या होता है, कैपिंग जैसे कोई हनी का जो पीर, हनी जिसमें जैसे कॉम्ब हो गया, और कॉम्ब में जब हनी प्योरली राइप हो जाता है, जैसे कोई कॉम्ब हो गया ना, उस कॉम्ब में प्रॉपर काम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो काम में जब उस छिद्र को प्रॉपरली हनी इसमें फिल हो जाता है, तो जब हनी फिल हो जाता है तो ये क्या करती है, हनी क्या करती है, इसको ऊपर से ढक दे देती है, कैप कर देती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, हनी कैप बोल देते हैं। फिर हो जाता है इसमें फोरेजर्स, फोरेजर्स जो वर्कर भी होती है, वर्कर भी ये जैसे ये 3 या इससे ज्यादा सप्ताह की जो जब हो जाती है, तो ये जो वर्कर्स हनी भी क्या करती है, जब जो काम होता है, काम के आउटसाइड पर जाकर के कहीं से भी आसपास जो टोटल जो डिस्टेंस होती है कितनी भी हो सकती है उसकी, जहां से ये जाकर के जो नेक्टर्स होते हैं और आपका इसके जो पॉलन्स होते हैं इनको जाकर के और वाटर होता है, प्रोपोलिस होता है, इनको कलेक्ट करके लाती है। जो इसमें फ्रेम, पर्पज ऑफ यूजिंग फ्रेम इज बीइंग एबल रिमूव कॉम्ब आउट ऑफ हाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। जैसे एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में मान लो कॉम्ब बना हुआ है, या जिसमें हनी राइप हो गया है, हनी इसमें, हनी इसी में फ्रेम के अंदर हनी का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो उसको फ्रेम सहित हम वापस बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए लगाया जाता है फ्रेम की जब भी हम कॉम्ब बाहर निकालें तो बिना किसी नुकसान के उससे हनी और जो उसका काम होता है उसको बिना किसी नुकसान के उसको निकाल सकें। फिर होता है बी गार्ड, बी गार्ड, बी वर्कर बी अबाउट 3 वीक ओल्ड, जब ये 3 साल या सॉरी 3 वीक की हो जाती है, तो ये क्या इसका काफी मात्रा में ये क्या करते हैं, बेनम्स या फिरोमोन्स वगैरह सेक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे जो गार्ड भी होता है, गार्ड भी मतलब ये है कि जैसे एक कोई सा भी बी हो गया या वर्कर भी हो गया, वर्कर भी जब ये लगभग ये 3 सप्ताह के आसपास का हो जाता है, तो इससे कुछ फिरोमोन्स या बीनम्स वगैरह सेक्रेट होते हैं, जिनसे ये चैलेंज कर सकता है जो भी जो बी जो आ रही होती हैं, नई बी आ रही होती हैं, या जो अदर कुछ जो मॉथ वगैरह होते हैं, ये जो प्रिडेटर्स वगैरह होते हैं जो उसके कॉम्ब में घुस जाते हैं, उससे क्या होता है, ये उससे गार्ड करता है, उसको सिक्योर करता है। फिर है मैटिंग फ्लाइट, मैटिंग फ्लाइट क्या होता है कि जब एक वर्जिन क्यून होती है, वर्जिन क्यून जब फ्लाइट कर रही होती है, तो उस समय कई सारे जब ड्रोन्स ये भी फ्लाई करके जाते हैं, और उसी समय फ्लाइंग के टाइम पर ही ये क्या करते हैं, वर्जिन क्वींस से मिल करके मैटिंग कर देते हैं, उसको मैटिंग फ्लाइट बोलते हैं। एक है नासुनो फिरोमोन्स, नासुनो फिरोमोन्स जो एब्डामन्स, ये टॉप पोर्शन होता है एब्डामन्स का, वर्कर्स बी के एब्डामन्स के टॉप पोर्शन जो होता है, उस समय कुछ फिरोमोन्स सेक्रेट्स होते हैं, जो कई सारे फिरोमोन्स को ध्यान रखते हैं, विजुअल रखते हैं। फिर है इसमें आपका न्यूक्लियस हाइव, न्यूक्लियस हाइव ये जैसे जिस समय आदमी किसी भी उसका रियरिंग करता है हनीबी का, उस समय ये छोटा होता है, ये धीरे 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 बड़ा होता जाता है, जब ये बड़ी कॉलोनी के रूप में हो जाता है, उस समय ये क्या हो जाते हैं, 4 से 5
फ्रेम के आसपास इसमें एक किसी भी हाइव में लगने लगते हैं, तो वो न्यूक्लियस हाइव बोलते हैं उसको। फिर है स्वार्म। स्वार्म क्या होता है, जब प्रॉपर हनी या कॉम्ब होता है उस समय बहुत सारी हनी प्रेजेंट होती हैं। उनमें से कुछ हनी क्या करती हैं, अलग हो जाती हैं, जिसमें थाउजेंड्स हनी भी हो सकती हैं, उसमें कुछ हनी अलग हो जाती हैं और अलग या इकट्ठा हो जाती हैं और अपना एक स्वार्म बना लेती हैं, एक झुंड बना लेती हैं। इस तरीके का स्वार्म, दो टाइप्स का स्वार्म हो जाता है, जिसको प्राइमरी स्वार्म बोलते हैं और सेकेंडरी स्वार्म बोलते हैं। तो इस तरीके का जो हनी होता है, हनी भी होता है, इसमें अलग टाइप्स के वो कंग्रीगेशन कर लेते हैं, जो इकट्ठा अपना जो झुंड बना लेते हैं, अलग टाइप से बना लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर गो फॉर एग्रीकल्चर।